के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिक फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय, ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। विश्व मैत्री मंच एवं साहित्य साधिका समिति के संयुक्त तत्वावधान में 7वां राष्ट्रीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया गया। साहित्य सम्मेलन में शिरकत करने आए साहित्यकारों का सम्मान स्वागत किया गया। देश की दिशा और दशा निर्धारित करने वाले साहित्यकारों के साहित्य की दिशा बदलती दिखाई दे रही है। डिजिटल इंडिया घोषित होने के बाद हिंदी भाषी क्षेत्र के युवाओं के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। साहित्य साधिका समिति की अध्यक्षा डॉक्टर सुषमा सिंह का कहना है कि साहित्य अपनी आत्मशांति के लिए होना चाहिए। ऐसा है कि विश्व मैत्री मंच जो है भारत वर्ष भर में काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय भी वो ले जाता है टूर इसके लिए, साहित्य की सेवा के लिए। और फिर हम भ्रमण करते हैं, है ना, जिस शहर में जिस देश में जाते हैं वहाँ। तो यहाँ ये जो है ये 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन है और हमारे साहित्य साधिका समिति यहाँ की स्थानीय है जिसकी मैं संस्थापिका हूँ, तो वो मिल करके कर रहे हैं काम यहाँ। तो यहाँ 75 साहित्यकार आज सम्मानित होंगे। खास तौर से जो सम्मान मिल रहा है वो पूरे साहित्य सेवा के लिए मिथिलेश दीक्षित जी को, पांडुलिपि के लिए सरस दरबारी जी को और कविता के लिए पूजा आहूजा कालरा आगरा की हैं, उन्हें मिल रहा है। तो ये है। और इसमें जो परिचर्चा होगी वो लघु कथा पर है, लघु कथा संवेदना और शिल्प। और साथ में फिर तीसरे सत्र में लघु कथाओं का पाठ होगा और कविता का पाठ होगा। इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। फिर कल हम लोग फतेहपुर सीकरी और भरतपुर डीग घूमने जाएंगे और तीसरे दिन पूरा आगरा भ्रमण करेंगे, ताजमहल किला वगैरह। ये कार्यक्रम जी बहुत बढ़िया जा रहा है। आगरा में तो खास तौर से हिंदी साहित्य के लिखने वालों की बहुत संख्या है, कई साहित्यिक संस्थाएं हैं और भोपाल से आई हैं संतोष जी, वहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति है। आप इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, अलीगढ़, आतरस, सब जगह से करीब 10 शहरों से लोग पधारे हैं। देखिए हिंदी मीडियम के लिए अलग क्षेत्र हैं, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए अलग क्षेत्र है। हिंदी का भी बाजार बहुत अच्छा है और इसलिए हिंदी में जो काम करेगा वो भी आगे जाएगा, बशर्ते कि वो मेहनत करे। साहित्यकार देश की दिशा और दशा निर्धारित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन विश्व मैत्री मंच एवं साहित्य साधिका समिति के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी साहित्य सम्मेलन से लगता है कि इन साहित्यकारों में देश को दिशा देने की काबिलियत खत्म होती जा रही है। 7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।